प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968। पहली लाइन में बात चल रही थी कि ब्रह्मा को 4 मुख दिखलाते हैं मोस्टली। तो 4 मुख हैं तो 4 आत्माएं भी तो होंगी ब्रह्मकुटी के मध्य में। तो इसे साबित होता है कि 4 आत्माओं को संगठित किया हुआ है ब्रह्मा नामधारी ने। तो समझ में आया प्रैक्टिकल में कौन पार्ट हुआ है? किस पार्टधारी को कहेंगे? है दादा लेखराज ब्रह्मा। उन्होंने 4 आत्माओं को अपने संगठन में अच्छी तरह से शामिल कर लिया, संगठित हो गए। जैसे 4 आत्माओं का संगठन इकट्ठा हुआ तो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा जैसे कहा जाता है वैसे ही वो 10 सिर का रावण भी कहा जाता है बाद में, क्योंकि ब्रह्मा वो तो विष्णु बनते हैं, है? ब्रह्मा सो 4 मुख क्या बन जाते हैं? विष्णु की भुजाएं बन जाती है ना, तो विष्णु की भुजाएं बन जाती हैं। अब भुजाएं जो हैं वो तो सही होगी, है ना? जैसे रावण की भुजाएं रावण की सहयोगी होंगी या विरोधी होंगी? रावण की सही होगी, होती है। लेकिन जो मुख होते हैं वो तो कहा ही जाता है, कहावत है भाई, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना है। जो भी ये मुंड होते हैं उनमें अपनी अपनी अकल अलग अलग होती है कलयुग के अंत में, कि एक जैसी होती है, अलग अलग होती है। तो देखो वो मुंड अगर मिलेंगे तो वाइब्रेशन जो मन बुद्धि के छोड़ेंगे कुछ न कुछ विपरीत बुद्धि बनेंगे या नहीं बनेंगे एक दूसरे के मुकाबले? नहीं बनेंगे। हाँ नहीं बनते जरूर है। तो देखो शास्त्रों में भी लिख दिया है, वो है जैसे बीज रूप में क्या रावण हो ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या हो गया छोटा मोटा रावण हो गया। अब बाप प्रवेश करते हैं उन 4 मुखों में तो रावण को जो रुलाने वाला है उसको हंसाने वाला है, हर्षित मुख बनाने वाला बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? वो तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रास्ता बताने आया है। तो वो तो हाँ हर्षित मुख बनाए देते हैं। किसके द्वारा? वो 5वां मुख एक और है जिसको शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो ग्लानी करता था या गालियां देता था। ग्लानी करने लगा, गालियां देने लगा, तो ब्रह्मा ने क्या किया? उनका तो संगठन बड़ा था ना, तो क्या किया ब्रह्मा ने? हाँ उसका सर काट दिया, अलग कर दिया, तो हमारे साथ मिक्स होके नहीं रह सकते। अब शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो इस सृष्टि पर आया हुआ है वो तो सबका सदगति दाता है या किसी को छोड़ देगा? है छोड़ देगा? वो गाली गलौज करने वाले उसे अहंकारी को छोड़ देगा? छोड़ेगा? उसको भी नहीं छोड़ता। तो जो सबसे जास्ती है रुलाने वाला बनता है बड़ा रावण, उसको पहले ठीक करेगा के छुट्टक मुट्टक को ठीक करेगा? पहले किसको ठीक करेगा है? बड़ा मुड्ढे को पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया तो सारे कंट्रोल आ जाएंगे।
क्योंकि बड़े को वो वैसा बड़ा है जिसे की गालियों को, जिसे की ग्लानी को वो छोटे छोटे जो तुंड है मुंड है वो सहन ही नहीं कर सके। सहन कर सके? नहीं सहन कर सके तभी तो काट दिया। नहीं, हाँ काट दिया। तो देखो उसको बाप आकर के, बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं वो आकर के उसको सुधारते। किसको? पांचवे मुख को या चार मुख को पहले सुधारते? पांचवे मुख को पहले। वो हो जाता है मुकर्रर रथ। तो जरूर आदि में भी मुकर्रर और अंत में भी, अंत में भी मुकर्रर। उस मुकर्रर रथ के द्वारा फिर ये चारों मुख जो ब्रह्मा के संगठित दिखाए जाते हैं उनको कंट्रोल करता होगा या नहीं करता होगा? है? कब? पहले खुद एक के कंट्रोल में आएगा है? जो एक ऊंचते ऊंच आत्मा है कौन? शिव। उसके खुद कंट्रोल में आएगा तब दूसरों को कंट्रोल करेगा कि खुद कंट्रोल में आएगा नहीं और कंट्रोल दूसरों को करना शुरू कर देगा? है? हाँ, पहले एक की मत पर खुद चलने वाला पक्का बने 100%। तो दिखाया वो जो चारों मुख हैं उन चारों मुखों को वो कंट्रोल कर लेता है। तो दिखाते हैं कि ब्रह्मा के जो चार मुख हैं वो है टेम्परेरी रथ, शरीर रूपी रथ। मुख होगा तो रथ तो होगा ना, है कि राहु है, सुधरते हैं कि नहीं सुधरते? हाँ, तो देखो वो सुधरते तो हैं लेकिन पूरे सुधरते हैं 100% चारों मुख है। 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं या कम कला के बन करके रह जाते हैं या कलातीत बन जाते हैं? है? हाँ, नंबर वार बनते। तो बताया वो जो चारों मुखों को वो पांचवा मुख कंट्रोल करता है या नहीं करता है? हाँ, पांचों को कंट्रोल कर लेगा। उनमें भी सबसे जास्ती किसको कंट्रोल करेगा? पहले पहले है है दादा लेखर आदि को कंट्रोल करेगा। अच्छा, हाँ दादा लेखर आदि को कंट्रोल नहीं करेगा तो वो तो चंद्रमा है ना, ज्ञान चंद्रमा है। अरे भाई ज्ञान सूर्य से रोशनी लेने वाला है कि नहीं? उस पांचवे मुख जो अव्वल नंबर मुख था ब्रह्मा का जो आदि सो अंत होता है तो उसे रोशनी ली ज्ञान की नहीं ली? हाँ, ये ओम मंडली के आदि में रोशनी ली ना। क्या रोशनी ली? कि भाई उन्हें साक्षात्कारों का कहीं भी अर्थ नहीं मिल रहा था, वाराणसी में बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से भी नहीं मिला और जो कहीं नहीं मिला वो उससे मिला कि नहीं? रोशनी मिली ज्ञान की। हाँ, तो ज्ञान की रोशनी मिली तो फिर उनको तो साक्षात्कार हुए थे प्रैक्टिकल में, तो उस बात पर वो पक्का निश्चय बुद्धि बन गए। बन तो गए लेकिन जाना कि हमारा रचयिता बाप कौन है? है? तो बाप को ही नहीं जाना तो फिर अम्मा को जानेगा पूरा? है? अम्मा को पूरा जानेगा? नहीं, बाप के नीचे तो अम्मा होती है, उसके नीचे फिर बच्चे होते हैं। तो बच्चों में जो बड़ा बच्चा होगा पावरफुल, तो जो पावरफुल होगा वो तो दूसरों को कंट्रोल करेगा ना। तो चार मुखों में पावरफुल कौन हुआ है? बताओ, जो यज्ञ के आदि में पांचवा मुख था जिसे परम ब्रह्म के टाइटल बाद में मिल जाता है, ऊंचे से ऊंचे टाइटल उस आत्मा को मिलता है लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं है। कल बताया ना, प्रैक्टिकल है परम ब्रह्म, बड़े थे बड़ा ब्रह्म
नहीं प्रैक्टिकल है, क्यों नहीं प्रैक्टिकल, क्योंकि उसको अपना शरीर तो अम्मा का है ही नहीं, है अम्मा का शरीर नहीं कि पुरुष का शरीर है, पुरुष का शरीर है तो पुरुष का शरीर तो जब नई सृष्टि की पालना करनी है तो जो बच्चे पैदा होंगे उनकी पालना करेगा, जन्म देगा, है? 9 महीने पेट में रखेगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि पुरुष जो है वो कोई बच्चे को पैदा करे। तो देखो वो मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात कह सकते हैं कि वो मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, मन बुद्धि की पावर को धारण करने वाली, वो तो ऐसी पावरफुल बनती है। कैसी? कि वो सहन शक्ति वाली इतनी बन जाती है कि शरीर की परवाह न करे, शरीर को याद भी न करे, और वो सहनशील बन जाएगी कि नहीं? पक्का सहनशील बन जाती है। लेकिन और जो मुख हैं ब्रह्मा के, जो 4 मुख दिखाए जाते हैं, उनमें इतनी पावर होती है कि जो बाबा ने चैलेंज दिया मुरलियों में, क्या क्या वाणी में चैलेंज दिया ना, क्या अब देखेंगे कि राग कौन गिनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, है? जो देह को राख कर दे, राख कर दे माने देह को योग बल से देहबान को जलाए दे, तो कितने निकलते हैं, है? राख कर देते हैं देहबान को, 8 निकलते हैं, वो 8 देहबान को पूरा राख कर देते हैं 100%। एक निकलता है जिसको जो साधु संन्यासियों ने समझ लिया है, विद्वान पंडित आचार्यों ने, कि वो शंकर जी महादेव क्या करते थे, भस्म रमाते थे। अब भस्म रमाने की बात है देह में, यह देह को योग बल से, योग आदमी से भस्म करने की बात है। क्या है? योग अग्नि से देह को, देहभान को भस्म करने की बात है। तो देहभान को अगर भस्म कर दे, देह को भस्म कर दे, देहभान को भस्म कर दे, तो मन बुद्धि की जो पावर है आत्मा की, वो रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ, वो तो रहेगी। तो मन बुद्धि की जो पावर है उसमें ये सहन शक्ति आ जाती है। कैसी सहन शक्ति? कि चारों जो ब्रह्मा के मुख हैं, उनसे जास्ती सहन शक्ति होगी, 100% होगी या कुछ कम होगी, है? 100% सहन शक्ति। तो जब 100% सहन शक्ति, तो सहन शक्ति तो सब गुणों का राजा है ना, नहीं है? सब गुणों का राजा है, सब गुणों का राजा है। तो राजा जो है वो तो नंबर वार जो राजा से प्रभावित होने वाली प्रजा होगी उस पे कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? हाँ करेगा। उनमें कौन सा मुख में से मुख है जिसको पहले कंट्रोल करेगा, है? आदिलक्ष्मी को पहले कंट्रोल करेगा, जो ब्रह्म, जो चंद्रवंशी, चंद्रमा की पुत्री है, चंद्रवंशी में पैदा हुई है, राधा को कंट्रोल करेगा, उसके बप्पा को नहीं कंट्रोल करेगा। हाँ दादा, क्या है? देखो भारत में परंपरा है ना, क्या परंपरा है? अगर बाप तैयार न हो बच्ची को देने के लिए, तो जो है सूर्यवंशी बच्ची होगी या चंद्रवंशी ही बच्ची होगी, तो ससुर घर जाएगी, जाने के लिए तैयार होगी? नहीं तैयार होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म की असल फॉलोअर बच्ची होगी तो जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? किसके कंट्रोल में है? अरे भाई, चंद्रमा के कंट्रोल में थी ना राधा, चंद्रवंशी थी ना,
तो वो चंद्रमा कैसा था? सोलह कला संपूर्ण होता है कि नहीं, कि कलातीत होता है? सोलह कला संपूर्ण चंद्रमा, तो सोलह कला जो संपूर्ण चंद्रमा है वो क्या कहें, उतरता है सोलह कला से नीचे या चढ़ता रहता है हमेशा? नीचे उतरता है। उतरते उतरते आखरीन कहां तक जाता है? किसको फॉलो करता है? आखिरी जन्म में पहुंच जाए, उतरते उतरते है जगदम्बा को फॉलो करता है। अच्छा, जगदम्बा को, क्रिश्चियंस को फॉलो नहीं करता है? अरे कृष्ण जो सोलह कला संपूर्ण है और उसे कृष्ण की और क्रिश्चियंस की राशि मिलाई जाती है ना, नहीं मिलाई जाती? और सोलह कला संपूर्ण कृष्ण की ही राशि मिलाई जाती है कि जो समगमयुगी कृष्ण है उसकी भी राशि मिलाई जाएगी? उसकी नहीं मिलाई जाएगी। क्यों? क्रा, उसमें भी का है, क्रा है, और क्रिश्चियन से में भी क्रा है, कृष्ण में भी क्रा है। पहले अक्षर के आधार पर राशि बनती है ना, नहीं पता? हाँ बनती है। तो संगमयुगी कृष्ण भी आखिरी जन्म में वो आत्मा जाती है तो वृषवंशियों के जो कुल है यादवों का, उस कुल में जन्म लेकर के शंकर को क्या कहेंगे, यादव कहेंगे कि नहीं? एटम बम्ब बना, उसके बुद्धि रूपी पेट में से एटम बम्ब बॉम्ब निकलते हैं कि नहीं? मिसाइल्स नहीं निकलते, मूसल निकले ना, शास्त्रों में प्रसिद्ध है ना कि यादवों के पेट में से मूसल निकले। तो फिर पता चला कि बड़े से बड़ा यादव कौन हुआ? हा, यादवों का बाप यदु है ना। हा, तो बताया कि जो यदुवंशी थे ना, उन्होंने उन यदुवंशियों में सबसे पावरफुल यदुवंशी कौन हुआ? वही शंकर कहते हैं ना, सारी संसार का विनाश कर दिया, अपने कुल का भी, अपने कुल का भी विनाश कर दिया कि किसी को ऊंचे तो ऊंचे पद दे दिया, विष्णु का ऊंचे ते ऊंचे कोई विष्णु नामधारी बन गया क्या? ऊंचे ते ऊंचे देवता कौन सा? कहते हैं विष्णु लोक में विष्णु ही सबसे ऊंचा देवता। तो देखो वो जो क्राइस्ट है, जो सबका क्रिश्चियंस का बाप है, वो तो बाद में आत्मा आती है कि सृष्टि के आदि से ही आती है, जन्म लेते लेते बाद में आती है। तो जो बाद में आती है वो तो फिर छोटा हो गया ना, है वो तो कैसी आत्मा हो गई? सूक्ष्म बीज हुआ के स्थूल बीज हुआ शरीरधारी? कैसा बीज हुआ? सूक्ष्म बीज हुआ, जैसे शिव है सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज है आदम अर्जुन हुआ कि नहीं, जिसके रथ में सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर प्रवेश करते हैं, है ना? क्योंकि उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, वो तो सदा निराकार, जैसे क्राइस्ट इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट निराकारी आत्माएं आती है ना, ऐसे शिव भी आत्माओं का बाप है ना, तो आता है ना। हाँ, तो वो निराकार जो है बीज, वो साकार बीज मनुष्य सृष्टि का जो बड़े से बड़ा साकार बीज है उसमें प्रवेश। आदम कहो अर्जुन कहो है, जो आदिदेव बनता है उसे आदिदेव कह दो, तो वो आदिदेव जो है
वो मन बुद्धि से संपूर्ण बनता है या देह के आधार पर संपूर्ण बन जाता है। मन बुद्धि का उपक्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, भले शरीर के द्वारा पुरुषार्थ किया जाता है, परंतु शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करते करते है शरीर का जो पुरुषार्थ है ना, भाई भाग दौड़ करो, ये हाथा पाई करो है, ये भी पुरुषार्थ है ना। हाँ, हाथों से काम किया जाता है ना। हाँ, तो ये जैसे ब्रह्मा कुमारी है, भाग दौड़ करके सारी सेवा की कि नहीं है, कि मन बुद्धि की सेवा की है, कि वाचा की सेवा की। दुनिया में वाचा की सेवा करके तो वो वाक देवी निकलती है। वाक देवी जिसे कहा जाता है, वो कहां से पैदा होती है मालूम है? कौन से धर्म से पैदा होती है वाक देवी, वाचा की देवी? सिख धर्म से। देखो, हाँ, सिख धर्म से पैदा होती है। तो सिख धर्म में कोई यादगार होगी उनके यादगार मंदिरों में है? उनके जो यादगार मंदिर होते हैं ना, होते हैं ना, क्या नाम होता है, है? क्या गिरजाघर नहीं, हाँ हाँ, गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारों में सबसे जास्ती वाणी चलती है कि कोई और धर्म वाले के मंदिरों में वाणी सबसे जास्ती चलती? गुरुद्वारे में बहुत वाणी, वाणी के आधार पर उनको कोई हाँ हरा ही नहीं सकता। शंख बहुत बजाते हैं, जो मुख है ना वो शंख है। हाँ, तो उनसे जो पवित्रता की देवी पैदा होती है ना, कन्या, बड़े से बड़ी कन्या, पहली कन्या, वो फिर इतना शंख बजाती है, इतना शंख बजाती है कि सारी दुनिया को जीत लेती है कि नहीं? नहीं जीते, नहीं सर झुकाए तो सर काटेगी कि नहीं? क्या करती है? सबके सर काट देती है। महाकाली के रूप में काटती है कि नहीं? हाँ, महाकाली के रूप में सबके सर काट देती। क्या कहा? अरे, हमारा तुम्हारा सर बचेगा कि नहीं? माता जी, बूढ़ी माता कहती, मेरा सर तो बचेगा, बाकी सबके सर काट डालेंगे, मैं तो लक्ष्मी जरूर बनूंगी, है ना? अब बल्लंबर की लक्ष्मी बनेंगी, आदि लक्ष्मी बनेंगी कि बाद वाली है? क्योंकि सतयुग त्रेता में स्वर्ग होता है, वहां तो जितनी आत्माएं पुरुष होते हैं वो सब लक्ष्मी रूप होते हैं कि नहीं? स्त्री पुरुष आपस में संस्कार मिलते हैं कि नहीं? तो वहां तो 8-10 करोड़ आबादी होगी। सतयुग त्रेता में कितनी आबादी होगी? 8-10 करोड़ होगी कि नहीं? नहीं होगी। हाँ, 8-10 करोड़ आबादी होगी। तो 8-10 करोड़ आबादी में और कौन सा नंबर होगा? बूढ़ी माता जी बता। अव्वल नंबर की आदि लक्ष्मी कि उसके बाद वाली लक्ष्मी, कि उसके बाद वाली लक्ष्मी के आठवां नारायण, कि उसके बाद वाले जो राम वाली आत्माएं हो, या जो आखिरी राम है उसका, त्रेता में आखिरी राम भी होता है ना, है अरे भाई, त्रेता में कोई आखिरी राम होता है कि नहीं? राम का टाइटल धारण करने वाला, उसकी प्रजा भी होगी कि नहीं? ओ, प्रजा भी जो नीचे ते नीचे प्रजा चांडालों की भी होगी ना, तो वो भी तो स्त्री पुरुष मिलकर के एक होके रहेंगे, विष्णु बन के रहेंगे, या आपस में लड़ाई लड़ेंगे? तो कौन सा नंबर होगा? माता जी को तो पता चल गया, मैं तो वैष्णवी देवी जरूर बनूंगी। पता नहीं चला, पता चल गया कौन से नंबर की? नंबर बताओ है? वो 8-10 करोड़ में से कौन सा नंबर है? 10 करोड़वा नंबर है या दूसरा, तीसरा, चौथा, 50वा नंबर है? अरे, मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं पड़ा। हाँ, मालूम नहीं पड़ा। हाँ, बाप से जन्म मिलता है, अम्मा से जन्म मिलता है, तो अम्मा बताती है, है? बताती कि नहीं? हाँ, कि तुम पहलौटी के मेरे बच्चे हो, है? तुम्हारे से बड़ा भाई कोई दूसरा भी है, बड़ी बहन है, तुम तीसरे नंबर के बच्चे। अम्मा बताती कि नहीं? है? नहीं बताती। अरे, ये तुम्हारा दादा है,
इसे ऐसे थोड़ी कहा जाता। अरे नहीं, ये तुम्हारा बाप है। नहीं, परिचय नहीं देती अम्मा, देती है ना। हाँ तो अम्मा मिलेगी नहीं? अम्मा मिल गई, मिल गई, बुद्धि में मिल गई कि प्रैक्टिकल में मिल गई? बुद्धि में मिल गई, काम चल जाएगा। बुद्धि से अगर मिल जाए कि हमारी ये अम्मा है, है? हाँ, नई दुनिया में जाने के लिए हमारी अम्मा ये है, और ऊंचे थे ऊंचे अम्मा वो ही है, तो मन बुद्धि से मिल जाएगी तो काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा भाई। प्रैक्टिकल शरीर से भी तो मिलना चाहिए ना। हाँ, तो कम से कम आंखों से तो देखा होगा, आंखों से देखा। हाँ आंखों से देखा, देखा, लेकिन ज्ञान इंद्रियों से देखा, कर्म इंद्रियों से मिली कि नहीं, टच किया कि नहीं, हाथ से, हाथ से टच किया। ओह झूठ बोले कौआ, हाथ सही सही बोला, टच नहीं किया। तो ज्ञान इंद्रियों से भी और कर्म इंद्रियों से भी, दोनों से अगर मिले है? भाई अम्मा है तो अम्मा की उंगली पकड़ के बच्चा चलेगा, बच्ची चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। हाँ तो बताया कि प्रैक्टिकल में मिलना भी चाहिए, अम्मा मिले बप्पा भी को पहचाने, अम्मा बप्पा का परिचय देगी कि नहीं? हाँ तो फिर बच्चे को पता चलता है मैं कौन हूं, मेरा कुल कौन सा है, मैं सूर्यवंशी हूं कि चंद्रवंशी हूं कि इस्लाम वंशी हूं कि क्रिश्चियन वंशी हूं। दुनिया में ये धर्म पिताएं आए ना, उनके वंश चलते हैं कि नहीं? नहीं चलते हैं। हाँ चलते हैं। तो देखो बाबा, वो दशों रावण के जो मुख हैं, उनके भी चित्र दिखाएंगे चरित्र करने वाले कि ये दस नंबर इनके कैसे बन गए दस धर्म पिताए के सृष्टि के आदि में। क्या दुनिया के सामने ये ऊंचे थे ऊंच ग्रेट फादर्स है के रूप में प्रत्यक्ष हुए थे, दुनिया ने जाना क्या? नहीं जाना। हाँ जाना, और वो ही अब आखिरी जन्म में आके क्या बन गए? नीचे थे नीच, दस और नीचे थे नीचे बन गए। देखो क्राइस्ट के बारे में क्या कहा, क्या कहा? इस समय कैसा है, क्या कर रहा है, क्या स्टेटस है उसका? भीख मांग रहा है, दरवाजे दरवाजे बना के भीख मांगा है क्राइस्ट। तो दूसरे धर्म पिताओं का क्या हाल होगा है? उसके बच्चे तो देखो अमेरिका वाले रहने वाले है क्रिश्चियंस, और कितने बड़े धनाढ्य साहूकार हैं, सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं है? और देखो उन क्रिश्चियंस के, उन अमेरिकन से बाप का क्या हाल है? बापों का बाप, उसका क्या हाल है? वो भीख मांग रहा है। बाबा ने बोला ना, नहीं पक्का विश्वास है? हाँ बाबा ने बोला, हमें तो पक्का विश्वास है कि क्राइस्ट की आत्मा जरूर भीख मांग रही। तो देख लो है? तो वो जो चंद्रमा बनता है सेकंड क्लास, सेकंड क्लास चंद्रमा कौन सा है? सेकंड नंबर चंद्रमा कौन सा? जल्दी लिखो एक अक्षर, दादा लेख रहा है। हाँ अरे फटाक से प्रश्न पत्र लग करके एकदम रेडी हो जाना चाहिए। हाँ नहीं तो फिर ये तो आजकल तो वो कोर्ट में बातें चलती है ना है? तो फाल फेल पास कर देते हैं, फोन से बात होती है, और फोन से बात हुई और तुमने जवाब ही नहीं दिया तो तुम्हारा मुकदमा फेल कर देंगे कि पास करेंगे है? फेल हो जाएगा ना। हाँ तो यहां तो मोबाइल की बात नहीं, फोन की बात नहीं, यहां तो है ना। हाँ बाबा ने कहा सबसे ऊंचे थे ऊंचे ज्ञान कौन सा? जो सन्मुख सुना जाता है। उसके बाद नंबर दो का, जो टैप रिकॉर्डर से सुना जाता है वो नंबर दो का। हाँ नंबर दो में भी गुड सेकंड क्लास भी होता है, होता है कि नहीं? वो कौन सा? हाँ टीवी में जो देख लिया उसमें इम्प्रेशन भी देखने में आते हैं, वाचा भी देखने सुनने में आती है ना। हाँ तो वो और ऊंची चीज हो गई गुड सेकंड क्लास, ऐसे होता है ना। हाँ सेकंड क्लास उतना अच्छा नहीं माना, वो तो 45% नंबर होते हैं तो भी सेकंड क्लास दे देते ही नहीं, लेकिन
गुड सेकंड क्लास तो तभी ही बनता है जब कम से कम नहीं तो 60% से ऊंचे नंबर आ जाए, तो उसको कहते हैं गुड सेकंड। हाँ, तो बाबा ने बता दिया कि भाई टेप रिकॉर्डर और टीवी से सुनना उतना अच्छा नहीं है जितना सन्मुख सुनना अच्छा है। तो अब ये तो अपने अपने दिल की बात है, है? कि भाई हमको सन्मुख बाप मिला, ऊंचे ऊंचे हेवनली गॉड फादर मिला या नहीं मिला, है? ये पक्का कर लिया कि नहीं कर लिया, और पक्का कर लिया तो कब तक के लिए पक्का कर लिया। फाइनल पेपर होगा, फाइनल पेपर मालूम है कब होता है? कब है वो फाइनल पेपर का है? हाँ, वो भी एक तरह से जो परीक्षार्थी हैं उनका युद्ध है, है? उस युद्ध में कौन अव्वल नंबर का वीर योद्धा निकलता है, कौन दोयम नंबर का निकलता है, पता तो चलता है ना, है ना? सेनापति किसी को बनाया जाता है? जो सेना में अव्वल नंबर वीर योद्धा होगा उसको मार्शल बनाया जाएगा ना, कि छोटे मोटे योद्धा को बनाया जाएगा। हाँ, तो सेनापति को मार्शल कहा जाता है, मालूम है कि नहीं? हाँ, तो रूहानी सेना का मार्शल तो शंकर जी बता दिया, उसके लिए तो भाई बोल दिया उसको कर्मों में फॉलो नहीं करना है। कैसे फॉलो करना है? अरे वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप है कि नहीं है? बाप तो है, तो फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो नहीं करना, फॉलो नहीं करना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वही तो कहते बिल्कुल नहीं, क्या कहते? अरे कुछ फॉलो करना है कि नहीं? हाँ, डायरेक्शन को फॉलो करना है, कर्मेंद्रियों को, जो कर्म होता है उस कर्म को फॉलो नहीं करना। अरे वो तो अड़भंगा पार्ट है, क्या भक्ति मार्ग में भी कहते हैं अड़भंगा, शंकर जी को क्या कहते हैं? अड़भंगा। और उनके जितने भी गण हैं फॉलो करने वाले वो सब अड़भंगे, क्या? हाँ, कैसे कैसे? कोई मुखहीन विपुल मुख खाओ, कोई को मुख ही नहीं है, कोई को ढेर मुख है, क्या? कोई को हाथ नहीं है, टूटे हैं, कोई को टांग ही नहीं है, लंगड़े हैं। अरे लंगड़े तो सारे ही हैं, क्या थोड़े लंगड़े हो या ज्यादा लंगड़े? तो बताया ये चित्र दिखलाएंगे क्या, कि जो रावण के 10 सिर हैं उनमें वो सिर कौन सा है जिसके फॉलोअर, जिसकी प्रजा प्रभावित होने वाली सब अड़भंगे होते हैं, पता चला? वो रुद्र कहा जाता है, महारुद्र कहा जाता है। तो जो रौद्र रूप धारण करता है, रौद्र माने भयंकर, कैसा भयंकर रूप धारण करता है कि मानो तो मानो, नहीं मानो तो सबको सबको खलास कर देगा। क्यों? सबको कहां से खलास करेगा? सबको खलास करने का काम महाकाली ने नहीं किया क्या? हा? अरे महाकाली ने है मार मोर के अपने पेट में डाला होगा, कौन सा पार्ट बजाती है जानवर का महाकाली, पता है? अल्लाह, पता ही नहीं। ओह, शेरनी का पार्ट बजाती है। शेरनी सबको, सारे शेर के जानवर जो होते हैं उनको सबको खा सकता है, पेट भर जाएगा तो अपने एक तरफ चला जाएगा। हाँ, मछली, मछलियों में सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है सो नहीं पता, वो ही बताना चाहिए। हाँ, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो होता है तो उसको तो इतने लंबा मुंह होता है कि उस मुख के अंदर तो सारे, कोई हाथी भी आ जाए ना तो भी उसकी टांग पकड़ लेगा, सूंड पकड़ लेगा, तो सारा हाथ पकड़ जाएगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके नहीं कर जाए। तो वो महाकाली तो ऐसी है सबके सर काट के सबको पेट में डाल के बैठती है, क्या मत्स्य अवतार के रूप में, नहीं? हाँ, बड़ा मगरमच्छ है।
मगरमच्छ और मछलियां सबसे जास्ती कहां होती है पता है? कहां? सागर में। हाँ, तो सागर जो है वो सागर में मछलियां बहुत रहती, तो सागर सारी मछलियों को हप करता है, मगरमच्छों को भी हप करके रहता है, या मगरमच्छ सागर को हप करता है? सागर जो है वो है सारी मछलियों को, और मछलियों में जो सबसे बड़ा मगरमच्छ हो और उनका जो भी संप्रदाय हो, मगरमच्छ होगा मछली बड़ी हो तो उसी सही होगी, नहीं मछलियां होंगी ना बड़ी बड़ी होंगी ना, उसकी भुजाएं नहीं होंगी। हाँ, जैसे महाकाली की भुजाएं दिखाते हैं, मुख्य मुख्य दिखाते हैं ढेर सारी भुजाएं, तो सबको पेट में डाल के रखता है। सबको पेट में डालेगा तो मुख से चबाएगा कि नहीं चबाएगा, ऐसे ही खा जाएगा, निकल जाएगा, ऐसे भी निकल सकता है। तो देखो, जैसे मगरमच्छ का मिसाल देते हैं, जैसे वो एक मोटा सा सांप होता है, लंबा लंबा, क्या कहते हैं उसको, अजगर है, वो भी उसको उतने दांत नहीं होते हैं, लेकिन वो निगल जाता है, क्या निगल जाता है, और उसकी जो जो शरीर की हड्डियां है ना वो चबाती रहती है। हाँ, जैसे जैसे चलता जाएगा तो हड्डियां हिलेंगी कि नहीं, और उनमें सब चबाता जाएगा चबाता जाएगा, अंत में जाकर के पूंछड़ी की तरफ से निकाल देता। तो देखो, ये सारी बातें पता है नहीं पता? अरे अब तो पता हो जानी चाहिए। तो देखो, वो बड़े से बड़ा मगरमच्छ, वो बड़े से बड़ा अजगर कौन है उसका पता है? शास्त्रों में नाम दिया है, नागों का राजा। क्या? हा, जैसे छिपकली देखी है, घर में छिपकली तो होती है, वो छोटा बच्चा होता है छिपकली का, उसके सामने आ जाएगी तो खा जाएगी कि नहीं? नहीं खा जाती। ऐसे ही सांप जो है ना, वो अपने सब अंडी बच्चों को खा जाता है। क्या? हा, जो अंडी बच्चे उसकी कुंडली से बाहर निकल गए, सबको निकल गए, सो निकल गए, जो रह गए उनको सबको खा जाता है। तो देखो, अभी वो महाकाली, और महाकाली जिसके पेट में बैठी हुई है, मालूम पड़ा किसके पेट में? सागर के पेट में। वो सागर सारी दुनिया को हप करके बैठता है, सारी दुनिया को हप करके बैठता है, ऐसे ताकतवर है सारी दुनिया को, है पहाड़ों को, पहाड़ों को, अच्छा पहाड़ों को भी, और सबसे बड़े पहाड़ की सबसे बड़ी चोटी को, है? हाँ, वो चोटी तो उसकी खुद ही चोटी है। क्या? सागर जो है ना, वो सागर की वो ही चोटी है, वो ही ब्राह्मण है, अब्बल नंबर का जो सागर है, वो ही जो बड़े से बड़ा पहाड़ है, हिमालय पहाड़ दुनिया का, उसकी चोटी है। चोटी माने एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट में पार्ट बजाने वाली, एवरेस्ट माने ईस्ट माने पूर्वी सभ्यता का पार्ट बजाने वाली है। तो जो पूर्वी सभ्यता का पार्ट क्या है? पूर्वी सभ्यता में बड़े से बड़े राजा स्वर्ग के हुए हैं, वो पता है कौन हुए हैं? एक राजा हुआ है या अनेक हुए हैं? पता नहीं, एक राजा हुआ। अच्छा, अरे स्वर्ग में एक इंद्र नहीं हुआ, अनेक इंद्र हुए हैं। क्या नहीं मालूम? ओह, क्या मालूम? दूसरा इंद्र कौन हुआ? दो दूसरे का नाम बताओ फिर, मालूम है तो बताओ। अरे जल्दी लिखो, देर मत करो, लोग इंतजार करते हैं। बड़े ते बड़ा आदि, बड़े ते बड़ा इंद्र नहीं पूछा, उसके बाद वाला पूछ रहे हैं। माता जी बाद वाला जानती हैं, वो बताओ। दादा लिख रहा है, क्या दिखा? नहीं लिखा। हाँ,
जो बड़े से बड़ा इंद्र है, 16 कला संपूर्ण सतयुग का जो शास्त्रों में दिखाया गया है, और वो तो इंद्र माने राजा, इंद्र माने राजा। तो उसके बाद तो फिर नहुष का भी नंबर लगता है, और दूसरे दूसरे भी इंद्र हुए हैं नंबर बार। तो इंद्र तो बहुत हुए, इंद्र माने राजा। बस सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक प्रजातंत्र गवर्नमेंट दुनिया में नहीं शुरू होती है, तब तक राजाएं रहते हैं कि नहीं? कम से कम टाइटलधारी राजाएं अंग्रेज जरूर बनाए देते हैं। सच्चे राजाएं नहीं रहते, उनको टाइटल तो मिल जाता है भाई, महाराजा। कहां का महाराजा? वाराणसी का महाराजा, काशी का महाराजा, ऐसे टाइटल मिलते हैं कि नहीं? हाँ, बड़ौदा का महाराजा, ऐसे टाइटल मिल जाते हैं। नहीं पता? पता है? अच्छा, नहीं तो बहुत विद्वान है, सारा पता हो गया। नहीं पता? कभी करता है हाँ, कभी करता है ना। अच्छा चलो, तो बताया कि बड़े थे बड़ा 16 कला संपूर्ण जो शास्त्रों में दिखाया गया, वो शास्त्रों में तो सतयुग से पहले की बात कोई जानता ही नहीं। 16 कला संपूर्ण सतयुग से पहले कौन सा युग था? वो तो बाप आकर के बताते हैं, हेवनली गॉडफादर। क्या? कि भाई सतयुग से पहले चारों युगों के चारों सीन से पहले इस बेहद की ड्रामा में पुरुषोत्तम संगम युग होता है, वो सबसे ऊंचते ऊंच युग है। क्या? स्वर्णिम संगम युग है। उस स्वर्णिम संगम युग में विष्णु बनता है, इंद्र नहीं होता है। क्या होता है? बड़े से बड़ा राजा एक ही होता है, विष्णु। और विष्णु रूप में फॉलो करने वाली ढेर आत्मा है उसकी प्रजा। विष्णु माने स्त्री पुरुष मिलकर के नो वेश एट ऑल, विषय विकार का नाम निशान मन बुद्धि में भी न रहे, वाचा की आंखों की कर्म इंद्रियों की तो बात ही छोड़ दो। तो उसको कहते हैं वैकुंठ। कैसा सुख भोगने वाले? कलातीत सुख भोगने वाले। जो कलाएं होती हैं वो तो शरीरधारियों की होती है। देवताएं शरीरधारी होते हैं कि? अरे देवताएं शरीरधारी होते हैं या नहीं? शरीरधारी होते हैं। तो शरीरधारी जो देवताएं हैं, वो शरीरधारी उनकी कलाएं बनती हैं। क्या? 16 कला संपूर्ण या 15 कला संपूर्ण या कम कला संपूर्ण, है ना? होती है कि नहीं? या 8 कला संपूर्ण, ये सब देवताएं होते हैं। 8 कला से जब नीचे उतरने लगते हैं तो फिर देने वाले देवता उनके पास खुद ही नहीं है, है? देह की पूर्ति काबिल है, सब कुछ नहीं रहता। तो बताया कि वो जो देवी देवताएं हैं उनमें सबसे ऊंचा राजा कौन सा है? है? अभी तो बताया आपने, प्रैक्टिकल में कौन ऐसा आत्मा अभी पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ कर रही है जो सबसे ऊंचा इंद्र बनती है सतयुग का? दादा लेखराज नहीं बनती? दादा लेखराज सतयुग का 16 कला संपूर्ण युग का इंद्र बनता है। लेकिन उसका भी कोई बाप है या नहीं? उसको भी कंट्रोल करने वाला, जन्म देने वाला कौन है? कलातीत। जो कलातीत सुख भोगता है, क्या? देह का, इंद्रियों का सुख नहीं भोगता। तो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो भी आदम वाली आत्मा है, जो पंचानन पांचवा मुख बनती है, है ना, वो पांचवा मुख वो ही है जो रावण का अब्बल नंबर मुख दिखाया जाता है। क्या? वो देहवान को, देह को खत्म कर देती कि नहीं करती? देहवान को, देह को खत्म करती कि नहीं करती? कर देती। तो शुरुआत कहां से होती है? पहला नंबर जो सतयुग का कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण, वहां से शुरुआत होती है इंद्र की, राजा की, बड़े से बड़ा राजा सतयुग का।
तो उसको कंट्रोल करेगी कि नहीं है? हाँ उसको कंट्रोल करती है। वो वर्तमान संगम युग में है, पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करने वाली आत्मा कौन है? है जो सतयुग में जाके ऊंची से ऊंचा इंद्र बनती है, राजा बनती है, दादा लेख राज। तो दादा लेख राज वाली आत्मा है कौन से नंबर का चंद्रमा हुई? सेकंड नंबर का चंद्रमा हुई, क्योंकि उसका बाप जो है वो ज्ञान सूर्य का टाइटल विवस्वत का धारण करता है। विवस्वत हुआ ना, अरे भगवान ने आकर के ऊंचते ऊंच भगवान ने आकर के जो ज्ञान सुनाया, उसे ज्ञान को सुन करके जो ऊंचते ऊंच पहला बच्चा बाप का बना, उसका नाम क्या मिला? जिसने सबसे जास्ती ज्ञान को धारण किया उसका नाम पड़ा विवस्वत, या तो उसका नाम पड़ गया सनत कुमार। कहते हैं ना ब्रह्मा का सबसे बड़े पुत्र का नाम सनत कुमार। सनत कुमार बड़ा बच्चा है तो किस आधार पर बड़ा बना? देह के आधार पर? देह के आधार पर बड़ा नहीं बना, ज्ञान के आधार पर बड़ा बनता है। ज्ञान जो है, ज्ञान सबसे बड़ी पावर है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। जो पवित्रता में पावर है वो पावर और किसी चीज में हो ही नहीं सकती। तो देखो पवित्रता को, ज्ञान को, पवित्रते पवित्र जो ज्ञान है एक के द्वारा आता है, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर के द्वारा, उसको एक ने धारण किया। क्या नाम उसका? शास्त्रों में नाम क्या दिया? एक अक्षर हो विवस्वत या सनत कुमार नाम दिया। भाई जो परम ब्रह्म का बच्चा है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा पहले नंबर का है, उसका बच्चा जो है वो सनत कुमार है। किस आधार पर बड़ा हुआ? देह के आधार पर बड़ा हुआ नहीं हुआ, किस आधार पर हुआ? ज्ञान के आधार पर। जो बड़ा सो बड़ा ठहरा। तो देखो वो जो विवस्वत हुआ, वो ज्ञान सूर्य हुआ है, पहला पहला धर्म पिता हुआ, और वो ही आखिरी जन्म में जाकर के सबसे नीच व्यक्ति बन जाता है। क्या? रावण का पहला मुख। रावण का बड़े से बड़ा मुख हुआ ना, सबसे ज्यादा दुखदाई हुआ कि नहीं? अरे जब दुनिया का विनाश होता है तो सारी दुनिया सबसे जास्ती दुखी होती है, या कोई और ज्यादा दुखी करता है उससे ज्यादा? कोई है उससे ज्यादा दुखी करने वाला? उससे ज्यादा दुखी करने वाला कोई? अच्छा महाकाली दुखी होती है? महाकाली दुखी नहीं होती? हाँ नहीं होती? महाकाली भी दुखी होती। भाई हमने पढ़ाई पढ़ लिया, पढ़ रहे थे कि हम ऊंचे पद पाए, लेकिन हमारा पद तो ऊंचा नहीं हुआ, किससे नीचा हो गया है? ओ तो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ती गई। जीवन में सारा जीवन लड़ाई लड़ेगी नहीं? हाँ, लेकिन लेकिन हार खाई कि जीत पाई? भले सारे दुनिया के सब पति, दुनिया के सब पति राक्षसों का सिर काट देती है, है तो भी एक का सिर काट पाती? नहीं काट पाती, एक फिर भी रह जाता। तो वो ज्यादा पहलवान हो गया ना? हाँ वो हो गया पहलवान, और वो हो गई कमजोर। तो जो ज्यादा पहलवान होगा उसको पछाड़ के चार गुना चित्त करेगा कि नहीं? बस अब हम तुम्हारी छाती पर सवार होकर जाएंगे, नहीं रहेगा? हा नहीं रहता? जो पावरफुल होता है वो छाती पर सवार होकर रहता है। समझ में आया कि नहीं? हा तो देखो वो महाकाली है जो बनती है, वो दादा लेखराज को भी अपने कंट्रोल में चलाती रही या नहीं चलाती रहती है? हा? चलाती रहती, लेकिन उसमें पवित्रता की पावर है इतनी? महाकाली में नहीं है। क्यों? हाँ कि मन से बुद्धि से वो देह को याद करना नहीं भूल पाती। क्यों नहीं भूल पाती? क्योंकि कन्याओं का ये स्वभाव संस्कार होता है
कि उनके जीवन में जो उनके शरीर में पहले कंट्रोल कर लेता है, पहला ठप्पा लगाता है, वो जीवन भर उन्हें भूलता नहीं। समझा नहीं समझा? तो नहीं भूलता है, वो याद आता रहता है जिंदगी भर। तो बताया, तो आत्मा से ही पवित्र बनना है, मन बुद्धि से, मन बुद्धि की पावर से, या देह से भी पवित्र होना है। प्रैक्टिकल पवित्र होना बड़ी बात है, या सिर्फ मन बुद्धि से पवित्र होना बड़ी बात है? मन बुद्धि से पवित्र होना बड़ी बात, देह से पवित्र होना बड़ी बात नहीं? अच्छा, तुम्हारा जो बाप है आदम, जो ऊंचे से ऊंचे पद पाता है महादेव, उससे बड़ा देवता कोई बनता ही नहीं। आदि नारायण कह दो, महादेव कह दो, तो क्या वो अकेले बन जाता है? साकार शरीर से दुनिया की नजरों में ऊंचा, किसका आधार लेना पड़ता है? जगदम्बा का आधार लेता है, अच्छा जगदम्बा के पांव पड़ता है जाके, है तुम हमारी अम्मा हो, हमको जन्म देने वाली, हम तुम्हारे पांव छूते हैं, ऐसे आदि लक्ष्मी। हाँ, जिसके लिए नाम दिया जाता है शास्त्रों में पार्वती। पार्वती माने सब को पार लगाने वाली। अपने खसम को पार लगाती कि नहीं? हाँ, उसको भी पार लगाती है। अपने बच्चे को, बड़े बच्चे को पार लगाती कि नहीं? अपने बड़े, वो बड़ा बच्चा भी बनता है और उसका पति भी बनता है। सब कुछ है, सब संबंध बनते ही नहीं? कब? तब बनते हैं सब संबंध आदि लक्ष्मी के, उस राधा के, जब वो सूर्यवंशी बनती है या उससे पहले। हाँ, रुद्रमाला के मणकों के साथ संगी साथी बने, तब उसको वो पावर मिले। क्या? कौन सी पावर? सबको पार लगाने वाली। समझ में आया कि नहीं है? वो अपने बड़े से बड़े बच्चे को भी पार लगाती। कब पार लगाया बताओ? पार लगाने का रास्ता बताती, मैंने पार लगाया। कब पार लगाया? अच्छा, कहां पार लगाया? कहां पार लगाने का रास्ता बताया? अहमदाबाद 1936 में। अच्छा, ये तो गलत बात हो गई। 1936 में तो राधा रेखलाज, उसका बाप ही जो जन्म देने वाला है राधा को, वो ही नहीं जानता कुछ भी। हाँ, 69 में 5 दिसंबर नाम दिया कि नहीं? भूल गए? 5 दिसंबर नाम दिया। बच्चे, जो तुम्हारा असली दादा है ना, मेरा जो बड़ा बच्चा है ना, तुम बच्चों का दादा है ना, दादागिरी दिखाने वाला है। ज्ञान सुना सुना के दादागिरी दिखाता है कि नहीं है? सबसे ऊंचे थे ऊंचा जो कृष्ण का नैया है कि नहीं? स्वर्ग का नहीं है? स्वर्ग का कृष्ण का नैया तो है, ऊंचे थे ऊंचे। तो वो जो कृष्ण का नैया बड़ा बच्चा है शिव बाप का, या छोटे बच्चों में से बड़े बड़ा बच्चा है, तो जो बड़ा बच्चा है वो तो दादागिरी तो जरूर कलयुग में दिखाता होगा, नहीं दिखाएगा? हाँ, कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण भगवान हुए, वो तो द्वयम नंबर के भगवान, उन्होंने चुप्पन पकड़ लिए 16 कला संपूर्ण बनने वाले। लेकिन उनके लिए भी बता दिया क्या करते थे वो, सुदर्शन चक्कर घुमाते थे। जो सृष्टि रूपी गाड़ी है ना, उस सृष्टि रूपी गाड़ी का पहिया निकाला और ऐसे ऐसे घुमाया और सबके सर काटे। है तुम्हारा वाला गाड़ी का पहिया? गाड़ी तो लकड़ी की बनी हुई होती, अच्छा लोहे की बनी हुई सही, उसे कोई सबके गले कटेंगे क्या? है कोई तलवार है क्या जो धड़ाधड़ काटते? हाँ, तलवार तो नहीं है। तो ये तो सब पोंगा पंथी है शास्त्रकारों की। असली बात क्या है? असली बात ज्ञान तलवार की है। क्या? जो ज्ञान तलवार है। अच्छा, बाण कह दो, बाण भी तो नुकीला होता है ना, है उसमें वो ऐसा फाल लगा हुआ होता है कि नहीं?
काटता चला जाता है, घाव कर देता है बड़ा भारी। तो जिसको गले में लगेगा तो सर उड़ जाएगा कि नहीं, सर उड़ जाता। तो बताया कि वो राम वाली आत्मा के लिए, जिसे मुरली में बताया क्या कि राम बाप को कहा जाता है। अब राम बाप कह दो, अर्जुन बाप कह दो, आदम बाप कह दो, एडम बाप कह दो, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप बड़े ते बड़ा कृष्ण है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, बाप का बच्चे के रूप में, बच्चे के रूप में है कि नहीं। हाँ, संगम योगी कृष्ण। तो संगम योगी कृष्ण भी कौन सा चक्र घुमाता है? ये जो षष्ठी रूपी चक्र है, है चार युगों का ना, इसका ऐसा चक्र घुमा घुमा करके सबको एक एक के बुद्धि में डाल देता है कि इस चक्र में देखो पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं चारों युगों के सीन में, इनमें ऊंचते ऊंचे हीरो कौन है, बताता है कि नहीं बताता है, सबकी बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता है? नंबर वार सही बैठता है कि नहीं, ये मतलब नहीं, नंबर वार सही बैठता है, लेकिन बैठता है किसी नंबर पर बैठता है। तो हाँ, पहले पहले किसकी बुद्धि में बैठता है? उस आत्मा का नाम बताओ जिसकी बुद्धि में पहले बैठता हो। अकल के बुद्धू घर को आए, आदि लक्ष्मी को पहले बैठता है। अच्छा, तो फिर जो जो ब्रह्मा बाबा है वो फिर आदि लक्ष्मी को कंट्रोल, राधा वाली आत्मा को कंट्रोल करके रखता है कि नहीं? वो पता नहीं। अरे बताओ, अंडर दी कंट्रोल रहती है या कंट्रोल से बाहर हो जाती है लड़की राधा? हाँ, अरे कंट्रोल में रहती है या नहीं? हाँ या ना? है? दादा का भी माँ है वो, दादा का भी माँ है इस जन्म में। प्रैक्टिकल बातें करो, पूर्व जन्म की बातें बताए रहे, तुम्हारी कोई बात मानेगा? तुम ज्यादा पूर्व जन्म के ज्योतिषी बने फिर रहे, मानेगा कोई? ज्योतिषी महाराज बताओ, पूर्व जन्म की बात बताए रहे, इस जन्म की बात बताओ। है? हाँ, नहीं मालूम ना, किसी कंट्रोल में नहीं रहती। हाँ, किसके कंट्रोल में? हाँ, दादा लेखराज के कंट्रोल में रहती है ना, कंट्रोल में रहेगी तो हाँ, चंद्रवंश की असली कन्या, जो चंद्रवंश का राजा कहा जाए चंद्रमा, उसे चंद्र की बच्ची, उसमें सबसे जास्ती पावर होगी कि नहीं पवित्रता की? दुनिया की सबसे बड़ी पावर कौन सी होती है? प्योरिटी की पावर होती है कि नहीं? प्योरिटी की पावर होगी मनुष्य में, पवित्र बुद्धि होगी तो ज्ञान समझेगा, कि अपवित्र बुद्धि होगी तो ज्ञान समझेगा? है? पवित्र बुद्धि होगी। पवित्र बुद्धि होने वालों में पुरुष रूप है या स्त्री चोले के रूप में है राधा? स्त्री चोले के रूप में है। और पुरुष चोले के रूप में अगर शंकर जी है तो उसको तो टाइटल मिल गया कलयुग के अंत में, कौन सा? दुर्योधन दुशासन, पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन, चाहे ब्रह्मा नामधारी हो चाहे शंकर नामधारी हो, पुरुषार्थी है कि नहीं? शंकर के रूप में नहीं है? हाँ, आदम वाली आत्मा है कि नहीं? हाँ, तो देखो जो कन्या है वो तो पवित्र होती है ना, परिवार में कन्या तो परम पवित्र होती है। जब तक किसी पुरुष के संसर्ग संपर्क में नहीं आई, उसके माँ बाप ने उसकी सुरक्षा ठीक से की है, तो देखो तो पवित्र बुद्धि वाली आत्मा को बुद्धि में पहले ज्ञान बैठेगा, बेसिक ज्ञान भी बैठेगा पहले, एडवांस ज्ञान भी पहले। बेसिक ज्ञान उसे कौन सुनाता है?
पहले पहले बेसिक ज्ञान की गहराइयों को हाँ, जो भी थोड़ा बहुत समझाए वो एडवांस ज्ञान की बतौर बेसिक ज्ञान की गहराइयों को राधा को कौन सुनाता है, है? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है ना, अरे भाई, तो जो जगदम्बा है वो बेसिक ज्ञान की हाँ टूटा फूटा एडवांस ज्ञान गहराई से समझाती है, व्याख्या करके समझाती कि नहीं समझाती है। तो अपने भारत में ये देखो परंपरा पड़ी हुई है। क्या परंपरा पड़ी हुई है कि जो भी है ससुर कुल की जो माता है ना, जिसे सास कहा जाता है, वो कन्या के घर में जाती है गोद भरने के लिए, तो वो स्थूल रुपयों पैसों से गोद भर देते हैं। है कहां की बात, रुपया पैसों की बात है, स्थूल धन की बात है कि ज्ञान धन की बात है? ज्ञान धन की बात है। वो ज्ञान धन जो बेसिक ज्ञान को समझाने का काम गहराई से एक एक पॉइंट को पकड़ करके जितना जानती है उतना ही समझाएगी ना, है? अधूरा जानती होगी तो अधूरा समझाएगी, तो आकर के कुछ न कुछ ज्ञान रतन देती है ना एडवांस के, है देती है। तो गोद भरती है कि नहीं, बुद्ध रूपी गोद बुद्ध रूपी पेट भरता है कि नहीं? नहीं भरता है, भरता है। अच्छा, फिर ओ निमगी में खतरे जान, वो तो अधूरा ज्ञान है, अधूरा है कि नहीं? ओ तो कोई ऐसा डॉक्टर होता है जिसने डॉक्टरी पास नहीं किया, थैला छाप डॉक्टर होते हैं तो किसी की मौत भी कर देते हैं कि नहीं? बहुत मौतें करेंगे, थोड़ी बहुत करेंगे, हाँ ढेर सारे लोगों को मार देंगे, तो वो तो खतरनाक। तो वो बेसिक ज्ञान लेने के बाद उसकी बुद्धि जो है वो तो दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उनमें सबसे जास्ती तीखी पवित्र बुद्धि किसकी होगी, सो बताओ, है? इस साकार दुनिया में जो भी देहधारी हैं उन देहधारियों में सबसे जास्ती तीखी बुद्धि किसकी होगी? आदि नारायण की, पुरुष है कि स्त्री है? मोर है, मोर पक्षी होता है, जानवर होता है, जानवर बुद्धि होता है या मनुष्य होता है, मन वाला? चलो मोर तो है, बताओ मनुष्य है कि जानवर है, पक्षी है, बुद्धि वाला है मन बुद्धि वाला कि बिना मन बुद्धि वाला है? मन है, होता है उसको, जानवर को मन होता है? हाँ, ये दुर्योधन दुशासन जितने भी होते हैं इस दुनिया में पुरुष रूप में वो सब जानवर बुद्धि होते हैं, के मानवीय बुद्धि होती है, इंसानियत होती है, इंसानियत जो अपनी आत्मिक स्थिति की शान में रहे, रूहानी शान में रहे तो इंसान, और रूहानी शान में न रहे तो इंसान या हैवान है? हाँ, तो देखो जितने भी दुर्योधन तो शासन होते हैं उनके ऊपर काम विकार हावी होता है कि नहीं है? होता है। हाँ, कन्या की इच्छा के अनुकूल बर्ताव करते हैं, जब कन्या घर में आती है बहू बन के उसकी इच्छा के अनुकूल ही चलते हैं कि बिना इच्छा के भी बर्ताव करने लगते हैं कर्मेंद्रियों से? हा? करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। कोई पुरुष ऐसा देखा सुना है? कोई नहीं सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में, कहां की बात कर रहे हो, त्रेता युग की कर रहे हो कि सतयुग की कर रहे हो, कि भविष्य की बात कर रहे? संगम, पुरुषोत्तम संगम, कोई बन गया पुरुषोत्तम दिखाई पड़ रहा है कोई है? जो दुर्योधन दुशासन न हो है? कम से कम वाइब्रेशन की मार जरूर मार देता होगा, बुद्धि में मारेगा कि नहीं? हाँ, बुद्धि रूपी पेट में
घाव करेगा कि नहीं? नहीं करता? करता तो फिर है? कौन हुआ? आदि लक्ष्मी, क्योंकि वो राधा के रूप में होती है ना, इस दुनिया में आखिरी जन्म में भी पवित्र कन्या के रूप में रहती है, जन्म लेकर के वो आत्मा रहती है कि आखिरी जन्म में भी अपवित्र होती है किसी से, दूसरे से है? हाँ, आखिरी जन्म में भी वो अगर पति बनाती है किसी को है, अपनी रक्षा करने वाला व्यक्ति चुनती है, तो एक को ही चुनती है, दूसरे ही आत्मा को नहीं चुनती। देखो विष्णु लोक से लेकर के स्वर्ग के आदि, सत्युग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक जितने भी जन्म होते हैं, उस आखिरी जन्म में भी बच्ची तो बनती है, कन्या तो बनती है, लेकिन उसकी बुद्धि में ये भाव नहीं आता है कि वो प्योरिटी के वाइब्रेशन के आधार पर कि वो जो बाप है ब्रह्मा, वो उसको गोद में लेकर के उसके साथ हरकत कर सके। डिस्चार्ज हो जाए करेगा? ब्रह्मा नामधारी जो इस दुनिया में ब्रह्मा नाम दे देते हैं, भले पुरुष होता है कि स्त्री होता है, दादा देखराज को क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे ना, तो पुरुष होते हैं ना वो सब, दुर्योधन दुशासन होते हैं, बोल दिया ना मुरली में, हाँ तो बताया कि वो पुरुष जो है वो उसके वाइब्रेशन को भी वो कन्या कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती है? बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं जिनका ये अनुभव है कि उनके वाइब्रेशन में जब पक्कापन होता है कि पति हमको चाहे मारे चाहे पीटे चाहे बांधे, लेकिन हम उसके कंट्रोल में है, हम नहीं आएंगे, तो नहीं आएगा, ऐसा वाइब्रेशन पक्का है, तो फिर वो पति हार जाएगा या जीत जाएगा? क्या होता है? हार जाता है, हार खा लेता है। तो वाइब्रेशन की इतनी ताकत है। ये वाइब्रेशन आत्मा में होता है या शरीर में होता है? आत्मा में होता है। तो वो एक ही आत्मा इस सृष्टि पर है जो शिवलिंग में हीरे के रूप में दिखाई जाती है, जिसकी यादगार है दुनिया का आज का सबसे बड़े से बड़ा हीरा। कौन सा? कौन सा हीरा है? कोहिनूर हीरा। पूछते हैं वो हीरा कौन है? है इस दुनिया में जो आखिरी जन्म में भी हीरे के रूप में आत्मा के रूप में चमकने वाली आत्मा है। क्या आत्मा है? शिवलिंग में वो आत्मा है हीरे के रूप में, जो सोमनाथ मंदिर में है, लिंग के अंदर दिखाई गई। तो लिंग होगा पत्थर बुद्धि, पत्थर तो वो भी है, नहीं है? लिंग भी पत्थर बुद्धि और वो हीरा भी पत्थर है या नहीं है? हीरा भी आदि में तो पत्थर ही है। अगर पत्थर बुद्धि ना होता तो दादा लेखराज ब्रह्मा के कंट्रोल में चलता है? वो आत्मा आखिरी जन्म में किसके कंट्रोल में आ जाती? दादा लेखराज के कंट्रोल में। सिंध हैदराबाद से ही, ओम मंडली से ही उसके कंट्रोल में आ गई या नहीं आ गई है? पहले किसके कंट्रोल में आई? अरे बताओ, पहले किसके कंट्रोल में आई? पहले दादा लेखराज के कंट्रोल में आई कि किसी और के कंट्रोल में आई? हाँ, पहले जगदम्बा के कंट्रोल। पंडित सोई जोई गाल बजावा, क्या कहा? इस दुनिया में चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हैं, वो किसको पंडित समझ लेते हैं? विद्वान पंडित आचार्य बड़ा होशियार समझ लेते हैं। किसको? जो गाल बहुत बजाना जानता है उसको बहुत बड़ा। जैसे भारत में अजूबा गरूबा हुआ कि नहीं? क्या भारत में क्या अजूबा गरूबा हुआ? नहीं मालूम? अरे हाँ, जो किसी देश में नहीं हुआ अजूबा गरूबा हुआ कि जितनी भी पार्टियां थी वो सब हार गई, राजनीतिक पार्टियां, और
वो एक जीत गया अपनी पार्टी और लंबे समय से जीतता चला आया क्या? और कोई भी ऐसा भारत में ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ जो लंबे समय से एक ही राज्य में चीफ मिनिस्टर बनता रहा, कोई हुआ? हुआ पता नहीं, हाँ कौन हुआ बताओ, जो लंबे समय तक है, हाँ, नरेंद्र मोदी हुआ, हाँ? तो वो कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ या किसी और स्टेट में हुआ? हाँ, जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। क्या अज्ञान की रात गुजर गई? अरे भाई, क्या अज्ञान की रात गुजर गई? ये अज्ञान की रात गुजर गई कि भाई अब जो ब्राह्मणों का पुरुषार्थ है उस ब्राह्मणों के पुरुषार्थ में करने में सबसे ऊंचा पुरुषार्थी कौन है? ज्ञान का, योग का, है? हर सब्जेक्ट में तीखा पुरुषार्थी कौन है जिसका पार्ट 76 में प्रत्यक्ष हो जाता है? पता चलता है कि नहीं? ये तो पता चल जाता है कि ये ऊंच पदधारी है, लेकिन क्या ये पता चलता है ये भगवान भी है? है? ये नहीं पता चलता। इसलिए भगवान तो वो निराकार ज्योतिबिंदु को ही मानती है, या जिसको समझती है कि ये नारायण का पदधारी है, नारायण शास्त्रों में अर्थ भी बताया हुआ है, नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जो मनन चिंतन की भी है, ज्ञान के मनन चिंतन में सबसे आगे ब्राह्मण जाता है ही चोटी का ब्राह्मण है ना? हाँ, तो बताया वो पहचान लेती कि नहीं उस पदधारी को, ऊंचते ऊंच जो ज्ञान में ऊंच पद पा पाता है, ऊंचते ऊंच योगी बनता है, पहचानती कि नहीं? जानती तो, लेकिन ये नहीं जानती कि ये भगवान है, जानती है? हाँ, अगर ये जाने तो फिर याद किसको करेगी? उसी को याद करेगी। तो न जानने की वजह से वो फिर ज्ञान कब मिलता है? हाँ, कि ये प्रैक्टिकल में ये भगवान है। प्रैक्टिकल माने निराकार भी और साकार भी। प्रैक्टिकल माने निराकार आत्मा प्लस साकार, निराकार आत्मा सुप्रीम सोल प्लस आदम का, अर्जुन का शरीर रूपी रथ, परमपिता शिव, परमात्मा हीरो पार्टदारी अर्जुन की आत्मा। नहीं समझ में आया? तो कहते ही है परमपिता परमात्मा, तो एक हीरो बनाने वाला और एक हीरो बनने वाला। तो जो सुप्रीम सोल है वो प्रैक्टिकल रूप उसका क्या है, शरीर के साथ पार्ट बजाने वाला, वो नहीं समझती। तो वो एडवांस ज्ञान जब पूरा लेती है तब समझती है, किसके कनेक्शन में आए तब पूरा ज्ञान मिले, वेबसाइट से सुने पढ़े तो मिल जाएगा? वेबसाइट से नहीं, वो भी तो लिटरेचर है ना, मिलेगा? टीवी में देख ले, सारी वाणियां सुन ले। जैसे एडवांस ज्ञान में दो कन्याएं ऐसी आ गई ना, विरोध विदेश से, अमेरिका से आई कि नहीं? हा? क्या पढ़ करके आई, लिटरेचर पढ़ के आई के और तरीके से आई है, मुख से सुन के आई? हाँ, पढ़ करके आई, जो उन्होंने वेबसाइट में पूरा पढ़ा ज्ञान तो बुद्धि में बैठ गया। हाँ क्या भाई, अरे वो उस तरफ आया हुआ असली भगवान का रूप उस तरफ है, ये पहचान लिया। और बाबा ने भी बता दिया कि वो जो बेसिक में चलने वाली जो परम पवित्र आत्मा है, भले आत्मिक रूप में है, वो भी नहीं जानती, लेकिन तुम बच्चे मेरे को पहचान लेते हो। क्या कहा? तुम पहचानते कि वो पहचानती? राधा और राधा के साथ वाले जो ब्रह्मा के और तीन मुख हैं, वो पहचानते? कोई नहीं पहचानता।
वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पहचानती ही नहीं कि प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा पार्ट बजाने वाला वो निराकार सुप्रीम सोल कहां किस शरीर में किस रथ में कौन सा अर्जुन का रथ है जिसमें पार्ट बजाता है, मालूम है? और हम बच्चों को, हम बच्चों ने कुछ तो चलो 100% निश्चय नहीं किया हो, कुछ तो निश्चय कर लिया कि नहीं? हाँ, नहीं किया? हाँ, कुछ निश्चय किया है तभी तो डटे हुए हैं। अगर निश्चय नहीं उखड़ जाएगा तो भाग खड़े होंगे कि नहीं? हाँ। तो देखो रावण को 10 शीश दिखा दिए है, तो उनमें पहले मुख को तो बता दिया क्या कि जो पहला मुख है, जो पहला धर्म पिता बनता है वो ही पहला मुख बनता है रावण का, जो दुनिया में सबसे ऊंच से ऊंच सुख देने वाला विष्णु रूप बनता है वो ही आखिरी जन्म में आकर के सबसे जास्ती दुख देने वाला क्या बन जाता है? रावण का सिर बन जाता है। रावण के सिर के तो नाम होंगे अलग अलग, कौन सा नाम ऐसे करके दिएगा बता ना, लिखो नाम, नाम मालूम है तो लिखो, लिखेंगे नहीं? पांचों विकार पहला मुख है, बौंगड़े नहीं। काम विकार, काम विकार जो है वो रावण का पहला मुख है, भूल गए सब कुछ, सारा ज्ञान भूल गए, पांच विकार मुख है रावण, पहले मुख की बात हो रही है। प्रश्न कोई नहीं समझते कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पांचों मुखों के बारे में पूछा जा रहा है कि पहले मुख के बारे में प्रश्न किया गया, पहला मुख तो पहला मुख है काम विकार। कहते हैं शंकर ने काम देवता को भस्म कर दिया, अरे कोई बाहर खड़ा हुआ था, कोई दूसरा व्यक्ति था कामदेव, काम जो विकार होता है वो अपने अंदर होता है मनुष्य के अंदर, अर्जुन के अंदर होगा, आदम के अंदर काम विकार होगा के बाहर होगा? हाँ। तो जो शास्त्रकार लोगों ने ये बात जानी नहीं, उन्होंने कोई काम देवता बना दिया। कहते बड़े सुंदर चेहरे मेहरे वाला होता है वो काम देवता, अपनी संपन्न स्टेज में जब उसकी संपूर्ण स्टेज बनती है ना देवता की, तो इतना सुंदर और दुनिया में कोई नहीं हो, बाबा भी मुरली बोलते है, इतना ज्यादा श्याम इतना ज्यादा सुंदर और कोई दुनिया में होता ही नहीं। कौन कौन श्याम सुंदर होता है, किसका नाम श्याम सुंदर है? संगमयुगी कृष्ण, तो जो संगमयुगी कृष्ण है ना वो जो कलातीत सुख भोगने वाली आत्मा है बाप की गोद में रह करके, वो संगम युग में जो कृष्ण है वो है ऐसी आत्मा। कैसी आत्मा? कलयुग के अंत में जिसमें काम विकार सबसे जास्ती 100% होता है कि नहीं? इतना काम विकार होता है कोष का पेट ही नहीं भरता, ओम मंडली में कितनी मिल गई पेट भरने के लिए, भोग भोगा जाता है ना काम विकार से, तो कितनी मिल गई? कहते 300-400 मिल गई, उनसे भी पेट नहीं भरा। वहां भी बोलता रहा अखबार में, अमेरिका के अखबार में कहते पड़ गया क्या कि अखबार का वो कलकत्ते का एक जौहरी है वो कहता है, क्या कहता है क्या कहता है, वो मुझे 300-400 मिल गई, 16,000 चाहिए। हाँ 16,000 चाहिए, चलो अब वो तो ओम मंडली की बात तो तब की हो गई 1936-37-38-39 की, अब तो बहुत साल हो गए ना। हाँ अभी कोई निकला कि नहीं अखबारों में ऐसा जिसके लिए ब्रह्मा कुमारियों ने घोषणा कर दी कि वो ऐसे ऐसे कहता है, कैसा कहता है के मुझे 300-400 तो वो पूर्व जन्म की बात, लेकिन इस जन्म में वो कहता है वो मेरा ही पार्ट था ओम मंडली में और अब मुझे कितनी चाहिए, 16,000 चाहिए, कितनी मिल गई?
तो गवर्नमेंट के लोगों को तो जितनी पता चली उतनी उन्होंने अद्धी पद्धी उन्होंने रेस्क्यू कर ली है कि भाई इनको इनको पकड़ो झगड़ो। अब गवर्नमेंट में नियम बना हुआ 18 साल से ऊपर वालों को तो पकड़ नहीं सकते, तो जिसको उन्होंने देखा कि ये तो बड़े चेहरे मोहरे वाली है, बड़ा शरीर है, ज्यादा उम्र होगी, उनको तो छोड़ दिया। जिनको देखा कि ये 18 साल से नीचे होंगी तो उनको सबको पकड़ ले गए, 40-50 कन्याओं को पकड़ ले गए, और ऐसे पकड़ ले गए जैसे डकैत पकड़ लेके जाते हैं किडनैप करके। अब वो चाहे उन्होंने अपने आधार कार्ड दिखाए हो, चाहे उन्होंने अपने आईडी प्रूफ कोई भी दिखाई हो, जन्म पत्री दिखाई हो, या स्कूल का सर्टिफिकेट, किसी को नहीं माना और जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले गए। तो किडनैप करने वाले डकैत थे या साहूकार थे, क्या थे? वही बड़ी बड़ी मूछों वाले जो डकैत होते हैं, वो डकैत थे। उन डकैतों को दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलो यहाँ की ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, प्रजातंत्र गवर्नमेंट जो बाबा कहते हैं, है प्रजातंत्र राज्य है, ये बेकायदे राज्य है। असली राज्य तो राजाओं का राज्य होता था, जो सालों साल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चलता चला आया। क्या हजारों साल से चल रहा है ना राजाओं का राज्य? स्वर्ग में भी चलता था, और 2500 साल से जब से इब्राहिम आए, द्वैतवादी युग हुआ, दो दो धर्म, दो दो राज्य चले, शुरू हुए कि नहीं? तब भी राजाओं का राज्य चला या नहीं चला? तो जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो राज्य ज्यादा चलेगा, या जिसमें ताकत ही नहीं है, इधरों का राज्य है, वो ज्यादा चलेगा? कौन, अरे भाई कौन सा ज्यादा चलेगा? जिसमें ताकत ज्यादा है, हाँ, वो राजाओं का राज्य चलता है। तो बताया, ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट जो है ना, वो फैसला करेगी है? उन डकैतों को पकड़ेगी? अरे वो खुद ही भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, ऊंचे ते ऊंचे जो पदधारी हैं वो सब भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला सारे के सारे, जिन गुरुओं को गुरु मान के बैठे हैं, सन्यासियों को है? विद्वान पंडित आचार्यों को, वो भी भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं या नहीं? संतान कैसे पैदा करते हैं? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करके पैदा करते हैं। ये भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण जब तक करते रहेंगे, तब तक मन बुद्धि में से भ्रष्टाचार जाएगा नहीं। ये रुपए पैसे का भ्रष्टाचार कहते हैं कि हम ऊपर ऊपर खत्म कर देंगे, वो तो खत्म हो ही नहीं सकता। क्या रुपया पैसा, ये तो लोभ की बात हो गई। लोभ बड़ा विकार होता है कि काम बड़ा विकार होता है? काम विकार, क्रोध विकार बड़े शत्रु हैं। ओम शांति। तो पता चला रावण के कितने शीश हैं? 10 शीश। पहले शीश का पता चल गया कि प्रैक्टिकल में है कोई कि नहीं, हा? प्रैक्टिकल में है, और उसका सर काट दो। सर नहीं काटेंगे? कहते सर नहीं काटेंगे। अरे काट दो ना, रावण बहुत दुख देता है। चलो